बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हाज़िर हूँ आपके खिदमत में पाकिस्तान वेदर अपडेट के साथ। अगर आपने तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में इस बेल आइकॉन के बटन पर क्लिक कर दीजिए ताकि मौसम की वीडियो की नोटिफिकेशन से दोस्तों आप रोज़ाना बाखबर रह सके। लो जी तैयार, 20 मार्च से कराची समेत सिंध में बारिश होने खतरे की घंटी बजा दी, क्या बारिश होगी या नहीं, आज की वीडियो में इसके बारे में आपके साथ रिपोर्ट शेयर करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं तो बारिशों के नए सिलसिले के हवाले से, तो मगरबी हवाओं का एक अच्छा और तमाम बेहतरीन ताकतवर नया सिलसिला आ रहा है मुल्क को 20 मार्च से मुतासर करने के लिए, जो कि ये सिलसिला बारिशों का इस मरतबा मुल्क गिर बारिशों का सबब बनेगा इंशाल्लाह। इस सिलसिले से इस मरतबा कराची समेत सिंध के भी बेशतर शहरों में बारिशों की उम्मीद रोशन है। हाल फिलहाल इस सिलसिले से सुबह सिंध में बारिशों की ज़्यादा शिद्दत तो नहीं देखने को मिल रही है, लेकिन इसमें अभी बहुत सारी तब्दीलियां मुमकिन है। वक्त आने पर अगर मज़ीद ये सिस्टम ताकतवर हुआ तो फिर कराची से कश्मीर तक सुबह के मुख्तलिफ शहरों में अच्छी बारिशें हो सकती हैं। इस दौरान इस सिलसिले से हाल फिलहाल मगरबी बालई वस्ती सिंध के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है, कहीं कहीं पर शदीद आंधी शदीद गरज चमक के साथ यालाबारी भी मुमकिन है। शुमाली मशरकी सिंध में भी चंद एक दो मकामात पर बारिश मुमकिन है। याद रहे कि अगर सिस्टम मज़ीद ताकतवर हुआ तो फिर कराची शहर के भी मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। अब मज़ीद बस दुआएं करो कि सिस्टम में मज़ीद शिद्दत आए ताकि कराची समेत सिंध में अच्छी बारिशें हो जाएं, आमीन। मज़ीद वही होगा जो अल्लाह ताला चाहेगा। मज़ीद दुआ करते रहो कि पाकिस्तान में रहमत की और अच्छी बारिशें होती रहें। अगर आज की वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिए। लाइटमीन थंडरस्टॉर्म बारिश में मुतालिक रोज़ाना मौसम की अपडेट जानने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पाक वेदर मेट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।